फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल सिंह, आपका वापस एक बार स्वागत है आदर्श एकेडमी में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेंस, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। Transparent material bound of two such surfaces, out of which at least one surface is spherical. इसका मतलब है कि जो हमारा lens है बना है दो transparent material से, जिसमें से एक surface होता है spherical. तो चलिए हम लोग जानते हैं कुछ concept lens के। तो first है center of curvature. Center is the center point of the imaginary sphere of the given lens. मतलब हमारे lens का center point, इसको हम लोग of the imaginary sphere, इसको हम लोग बोलते हैं center of curvature. और हमारे lens में दो center of curvature होते हैं, C1 and C2. अब आते हैं second, optical center. Optical center is nothing but the central point of the lens on the principal axis is called as a optical center. मतलब हमारे lens का जो center point होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जाता है. प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका मतलब क्या था कि इमेजिन किया हुआ स्ट्रेट लाइन जो कि पास हो रहा है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से. अब आते हैं फिफ्थ है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द गिवन लेंस. इसका मतलब है कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा फोकल लेंथ होता है. ये थ्री रूल्स ऑफ लेंसेज. फर्स्ट रूल इज व्हेन ए इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. इसका मतलब क्या था कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस को तो वो पास करेगी फोकस से. एंड सेकेंड रूल क्या है, इसका वाइस वर्सा है. सेकेंड रूल इसका वाइस वर्सा है, यानी कि द इंसिडेंट रे आर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन द रिफ्रेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और थर्ड रूल है कि द इंसिडेंट रे व्हेन इंसिडेंट रे आर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन द रिफ्रेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ. इसका मतलब क्या था कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर पासिंग कर रही ऑप्टिकल सेंटर से, उसको जाना भी है तो उसी रास्ते से जाना है, यानी मतलब ट्रेसेस द सेम पाथ. इसका मतलब यही था. टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी द पोजिशन ऑफ द इमेज एट फोकस एंड द इमेज ऑफ देन द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. इसका मतलब है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब बहुत दूर है, तो उसका जो इमेज बनेगा कैसा, जो उसका इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा, और उसका जो इमेज का जो साइज है बहुत ही छोटा रहेगा, मतलब बहुत ही छोटा, और उसका जो नेचर है वो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे कि आप देख रहे होंगे डायग्राम पे. ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड टू एफ वन देन दी पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू एंड द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर टू एफ वन के पीछे है तो हमारा जो इमेज का जो पोजीशन है वो F2 और 2F2 के बीच में रहेगा, और उसका साइज इमेज का स्मॉलर रहेगा, और जो उसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और अभी आप देख रहे होंगे डायग्राम में. थर्ड, ऑब्जेक्ट एट 2F1 देन द पोजीशन ऑफ इमेज एट 2F2 देन द साइज ऑफ द इमेज इज सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे है तो हमारा जो इमेज का जो पोजीशन है वो बनेगा 2F2 पे, और जो उसका साइज है सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही साइज इमेज का भी रहेगा, और जो हमारा जो नेचर है इमेज का वो है रियल एंड इन्वर्टेड. अब देख रहे होंगे डायग्राम में. ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड 2F1 देन द पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F2 एंड द साइज ऑफ द इमेज इज larger than the object and the nature of the image is real and inverted. मतलब अगर हमारा object F1 और 2F1 के बीच में है तो हमारा जो image का जो position रहेगा वो 2F2 के पीछे रहेगा, और जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और जो उसका नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड, जो आप देख रहे होंगे डायग्राम में. फिफ्थ, ऑब्जेक्ट एट फोकस
then the position of image at infinity and the size of the image is very large and the nature of the image is real and inverted. मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहा तो हमारा जो पोजीशन है इमेज का वो रहेगा इन्फिनिटी पे और जो साइज है इमेज का वो है बहुत ही मतलब बहुत बड़ा और जो जो हमारा नेचर है इमेज का वो है रियल एंड इन्वर्टेड जो कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में. ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट देन द साइज ऑफ द इमेज इज वेरी लार्ज एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो हमारा जो पोजिशन और जो हमारा इमेज का जो पोजिशन है जहां ऑब्जेक्ट है वही हमारा इमेज बनेगा और जो इमेज का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा होगा और जो क्या और जो हमारा नेचर है इमेज का है वर्चुअल एंड इरेक्ट और जो कि आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में. तो फिर चलते अगले टॉपिक पे रूल्स फॉर कंक्लूसिव लेंस. फर्स्ट रूल इज व्हेन एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रेक्टेड रे आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स आर पासेस थ्रू द फोकस. इसका मतलब है कि अगर हमारा इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्रेक्टेड रे पीछे के तरफ बढ़ के वो पासेस फोकस से पास हो जाएगी. और सेकेंड रूल इज व्हेन एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस देन द रिफ्रेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इसका मतलब अगर हमारा इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी तो जो हमारा रिफ्रेक्टेड रे वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के. तो फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन द पोजीशन ऑफ इमेज एट फर्स्ट फोकस एंड द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इसका मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो हमारा जो इमेज है इमेज बनेगा फर्स्ट फोकस पे और उसका साइज रहेगा बहुत ही छोटा और जो उसका नेचर है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऑब्जेक्ट एट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी देन द पोजीशन ऑफ इमेज एट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एंड द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो हमारा जो पोजिशन रहेगा इमेज का कहां बनेगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और उसका जो साइज है इमेज का बहुत ही छोटा होगा यानी स्मॉल होगा और उसका जो नेचर है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट. अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर